अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है 10 News 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। कांग्रेस के कैंडिडेट KLR को BRS पार्टी के लीडर्स की जानिब से दिया गया मुंह तोड़ जवाब। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। 10 News 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज प्रेस मीट रखने का मकसद ये है कि कल पहाड़ी शरीफ की दरगाह पर KLR जो सविता मैडम के अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी से ठहरे हुए हैं, कल ही उनको बीफाम आया। उन्होंने पहाड़ी शरीफ की दरगाह पर जाकर ज़ियारत करके आने के बाद में एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि जलपल्ली म्युनिसिपल में कोई सहूलत नहीं है बोलकर, CC रोड नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है, ये एरिया में तकरीबन कुछ भी काम ही नहीं हुआ जलपल्ली म्युनिसिपल में बोलकर ऐसा कल बताए उन्होंने स्टेटमेंट में। मैं उनको ये एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जब जलपल्ली म्युनिसिपल में एंट्री लिया, जो रोड से उन्होंने आए वो रोड सबिता अम्मा बनाए सोए, सबसे पहली चीज़। उन्होंने जिस लाइटों की रोशनी में आए वो लाइटें भी सबिता मैडम ही लगाए सोए। जलपल्ली म्युनिसिपल में करोड़ों रुपए की लागत से डेवलपमेंट के काम किए गए, जिसमें 72 करोड़ रुपए की लागत से वाटर लाइन का काम हुआ, वाटर टैंक बन रहे हैं बड़े बड़े, घर घर पानी दिए वाटर लाइन डालकर, और ड्रेनेज लाइन का काम हुआ, CC रोड्स के काम हुए, जितने भी बड़े बड़े रोड डाले गए हैं जलपल्ली गेट से लेकर श्रीराम कॉलोनी तक, BT रोड, CC रोड डाली गई पहाड़ी शरीफ के आतराफ में, दरगाह के वहाँ पर BT रोड गई डाली गई, शाहीन नगर के एरिया में जितने भी बड़े बड़े रोड से पूरे रोड डाले गए, शाहीन नगर चौरास्ते से लेकर वेंकटापुर तक रोड डाली गई, ये गोश्ता में कभी काम नहीं हुए थे। जलपल्ली म्युनिसिपल के तमाम आवाम को मालूम है कि यहाँ पर 200 करोड़ के काम मैडम साहिबा ने कराए हैं जीतने के बाद। हम कितना भी शुक्रिया अदा करें तो उनका कम है। अभी इनको कल ही बीफाम मिला, कल ही इन्हों जो है ना पूरा फॉरन में रहते बोल के सुना मैं, KLR जैसा उन्होंने जलपल्ली म्युनिसिपल में आए डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है ना फिरे ना देखे। तो उम्र करके आना उन्होंने पहले, आने से पहले जो रोड पे गुजर रहे शाहीन नगर के एरिया में जलपल्ली म्युनिसिपल में, वो पूरा सविता मैडम डाले सो रोड है, उनको मालूम ही नहीं है। सीधा पैराशूट से उतरे जलपल्ली म्युनिसिपल में उतरे, तो ऐसे लोगों को क्या मालूम होगा बताइए आप। तो मैं उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, उनसे फर्स्ट टाइम है उन्होंने जो जिस बात कर रहे हैं उन्होंने, कि दूसरी मरतबा ये सोच समझ के बात करना चाहिए, मालूम करके उम्र करके बात करना चाहिए उनको, कि उन्होंने साबेखा में भी गोश्ता इंदिरा रेड्डी साहब के अगेंस्ट में ठहरे, हारे बाई इलेक्शन में, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा के, मैडम साहिबा के सामने बाई इलेक्शन में हारे, अभी उन्होंने आए यहाँ पर फिर हार के जाने वाले हैं, यहाँ कोई जानने पहचानने वाले ही नहीं है उनको, कुछ लोग हैं ले लेके फिर रहे, वो लोग खुद नहीं दिखते। हम तो 24 घंटे ये एरिया में रहने वाले हैं, यहाँ के आवाम के दरमियान में रहने वाले हैं हम लोग, उसी की बुनियाद पे मैडम साहिबा जो डेवलपमेंट करें उसी की बुनियाद पे हम लोग वोट मांगेंगे इंशाल्लाह। हमको उम्मीद है यहाँ की आवाम से कि बेहतरीन जो है ना मेजॉरिटी से मैडम साहिबा फिर से एक मरतबा जीतने वाले हैं। तो मैं ये कांग्रेसियों को यही बोलना चाह रहा हूँ, बाबा तुम पहले उम्र करके आइए, आप लोगों को मालूम ही नहीं है, मालूम करिए कहाँ पर क्या काम हुआ। पानी के बड़े बड़े धरने दिए जाते थे रोड पे, आज हर घर घर मीठा पानी पहुँचाए सविता मैडम। जो भी उनके आजू बाजू ठहरे हुए उनसे पूछिए, उनके घर में मीठा पानी सविता मैडम दिए। पूरा एरिया में ड्रेनेज लाइन का काम हुआ सविता मैडम कराए।
लाइटों का काम किया गया, लाइट पूरे मैडम लगाए, सीसी रोड डाले गए पूरे मैडम साहिबा की जानिब से। इन आकर बता रहे हैं हमारे को कुछ काम नहीं हुआ, तो हम यही बोलना चाह रहे हैं उनसे, होमवर्क करके हमारे सामने फिर एक मरतबा आए तो, क्योंकि नहीं तो फिर आवाम बस्तियों में है, बाहर निकल के फिर आप लोगों को फिर आने से पहले सोच के आना पड़ेगा एरिया में भी। तो आप कुछ भी बोलने से पहले डेवलपमेंट के बारे में यहाँ के जलपल्ली म्यूनसिपल के जो कुछ भी और भी जो है ना, 25 करोड़ सेंक्शन है हमारे पास, इंशाल्लाह ताला जैसा इलेक्शन होगा वो काम भी चालू होने वाले, गली गली में सीसी रोड, बीटी रोड, ड्रेनेज लाइन का काम होगा फिर से, क्योंकि मैडम साहबा जब तक रहेंगे इंशाल्लाह ताला पूरा जलपल्ली म्यूनसिपल चमकने वाला है, हमको उम्मीद है। हम साथ में रहकर मैडम साहबा के काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और मैडम पहले से भी अब बहुत ज्यादा मेजोरिटी से जीतने वाले हैं, ये सबको मालूम है, उन कांग्रेसियों को भी मालूम है, क्योंकि हम भी कांग्रेस में थे। कांग्रेस पार्टी छोड़ के आने की वजह यही है डेवलपमेंट, कांग्रेस पार्टी में रहे तो डेवलपमेंट नहीं होता था। 70 साल मुसलमानों के वोट लेके कांग्रेस पार्टी क्या करी आज, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए मैडम साहब आप बीआरएस पार्टी में ज्वाइन हुए, करोड़ों रुपए की लागत से जलपल्ली म्यूनसिपल में काम हुआ। हमारे पास आइए, नए बोले तो हमारे पास एक कंटिन्यू प्रोग्राम लगाए थे सीएम केसीआर साहब ने, बहुत सारे लाखों के लोगों में जो है ना हम लोग सबको चश्मा दिए चक्कर आकर, एक ऐसी इनको भी एक देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अभी अंधे हो चुके हैं, क्योंकि देख के बोलना चाहिए, अभी एरिया में आई ने बता दे रही कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, वो नहीं है, आओ हम बताते डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। 30 तारीख के दिन तमाम जलपल्ली के आवाम से अदबन गुजारिश करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं 30 तारीख के दिन सुबह जल्दी निकलकर आप लोग बीआरएस पार्टी को जिताने के लिए कार के निशान पे वोट डालकर आप लोग भारी मेजॉरिटी से मैडम को जिताना है। जो जो भी डेवलपमेंट्स कहीं गलियों में रुका हुआ है इंशाल्लाह ताला वो पूरा डेवलपमेंट होगा मैडम साहिबा जीतने के बाद। आप लोग सुबह निकलकर फजर के नमाज के बाद 7 बजे जाकर पोलिंग बूथों पे आप लोग वोट डालिए, भारी मेजॉरिटी से मैडम साहिबा को दिखाइए, जिताइए। कार के निशान है, कार के निशान पे आप लोगों को बटन दबाना है, कार का निशान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मैसरम कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्होंने कल एक बयान दिए, उन्होंने जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के एरिया में जो सोना कुछ भी काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, और पानी की भी जो सोना बहुत किल्लत है यहाँ पर, सीसी रोडों की, ड्रेनेज लाइन की। तो मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ कि ये 4 विलेज आते हैं, कुत्तापेट विलेज, बालापुर विलेज, पहाड़ी शरीफ, जलपल्ली। कुत्तापेट विलेज तुम्हारे को कुत्तापेट से जो है ना स्टार्ट होता, और तुम्हारे को एरागुंटा बारकस के कब्रस्तान के से स्टार्ट होता, जलपल्ली श्रीराम कॉलोनी बम्बई कॉलोनी के तरफ से वहाँ से स्टार्ट होता पहाड़ी शरीफ कमान के तक, इधर तुम्हारे को वेंकटापुर के चौरस्ते तक, 4 विलेज में, 4 विलेज को मिला के जो है ना एक जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी बनाई। उसमें 28 वार्ड आते, 28 वार्ड में आप खुद जाके देखो कितने जो है ना तरक्यात के काम चल रही, हर जगह जो है ना हर वार्ड में कोई ना कोई गली में या मीठा पानी की लाइन हों दो, या ना तो सीसी रोड हों दो, या ड्रेनेज लाइन हों दो, कुछ ना कुछ जो है ना वर्क हुआ सो है और होने का है। तो ये चीज़ जो है ना तुम काम नहीं हुआ, पानी की भी जो है ना किल्लत है यहाँ पर, ड्रेनेज सीसी रोड नहीं है बोले तो, मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ना आप पहले चीज़ जो है ना सब चीज़ें मालूम करो। जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में 28 वार्ड आते, 28 वार्ड में जो ना कितने तरक्यात के काम हुए, ये काम कराने वाले सबिता इंद्रडी मैडम सीएम केसीआर साहब से जो ना नुमाइंदगी करके करोड़ों रुपए के बजट लेके आके जो है ना यहाँ पर काम कराए। आप काम नहीं हुआ इधर कुछ भी नहीं बोले तो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो ना आप भी जो ना मालूम करो डेवलपमेंट का काम करे नहीं करे। अगर उन्होंने डेवलपमेंट का काम नहीं करते तो जो ना यहाँ पर पब्लिक भी उनको नहीं चाहती थी, और हम लोग जितने भी बीआरएस पार्टी के जो लीडर हैं उन्हें भी बोल नहीं सकते थे हम लोग मीडिया में आके डेवलप करे, बजट ला के लगाए बोल के, इसलिए जो ना हम भी आके बोल रहे हैं। 120 करोड़ की लागत से जो है ना वो बजट ले लेके आके, उसमें खाली सीसी रोड और डेनिस का जो है ना बजट है वो पूरा 120 करोड़ पूरा लेके आके बजट जो है ना यहाँ पर जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के 28 वार्डों में लगाए, डेनिस लेन के वास्ते, सीसी रोड के वास्ते, और 72 करोड़ रुपये जो है ना तो गली गली मीठा पानी की लाइनों के वास्ते, जो पाइप लाइन डाले हुए पानी के वास्ते। तो आप जो है ना जो बात बता रहे हैं वो चीज़ जो है ना गलत बात है, कुछ भी काम नहीं हुआ वो बोले तो, ये चीज़ जो है ना आप मालूम कर लो,
हम आपको बोल रहे हैं कि जो है ना आप मालूम करो डेवलपमेंट हुआ बोल के तो पब्लिक इतना उनको साथ दे रही, और इंशाल्लाह ताला जो है ना यहाँ से सविता इंद्र रेड्डी मैडम ही जीतेंगे, और मेरी पब्लिक से भी जो है ना जितने ही मेरे माँ बहना जो सुन रही हैं सबसे जो है ना मेरी गुजारिश है कि जो ना ये इंशाल्लाह ताला जो है ना ये डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन है, ये डेवलपमेंट सविता इंद्र रेड्डी मैडम करे अपने अपने गलियों में, देखो तुम लोग अपने अपने बस्तियों में, और डेवलपमेंट की बुनियाद पर जो ना कार के निशान को 30 तारीख के दिन 30 नवंबर सुबह जल्दी जाके जो ना इंशाल्लाह ताला तुम लोग वोट बटन जो ना कार के निशान पर बटन दबा के सविता इंद्र रेड्डी को मैडम को जो ना यहाँ से ज़्यादा जो है ना वोटा दिला के अपने को जिताने का है, और यहाँ जीतने वाले भी सविता इंद्र रेड्डी मैडम ही है, आके काम नहीं हुआ बोले तो वो बात से जो है ना बता रहे हैं कि आप जो है ना मालूम कर लो, तुम्हारे भी लीडर है ना एरियो में उनसे मालूम कर लो काम हुआ नहीं हुआ, हम पूरा काम नहीं हुआ बोल के भी नहीं बोल रहे हैं। 10 तारीख को टेंडर थे, अभी जो है ना तुम्हारे को तकरीबन 28 वार्ड को जो है ना 25 करोड़ रुपये सविता इंद्र रेड्डी मैडम सीएम साहब कहने से बजट ले लेके आए थे, 25 करोड़ के काम जो है ना 10 तारीख को टेंडर थे और 9 तारीख को इलेक्शन कोड लगा, इलेक्शन कोड लगने की वजह से कामा रुके हुए हैं, इंशाल्लाह ताला जो है ना अल्लाह चाहे तो ज़रूर जो है ना यहाँ पर कामा भी वो भी चालू होंगे और मैडम ही जीतेंगे यहाँ से, और मैं पब्लिक से भी जो है ना तुम पब्लिक को ही बोल रहा हूँ मैं जलपल्ली म्यूनसिपल के डेवलपमेंट के बुनियाद पर देख के काम करो तुम, रात बेरात दिन धूप पानी में कैसा मैडम जो है ना अपने कहीं आते इधर बस्ती में कितना जो है ना यहाँ पर कामा कराते, शादी मुबारक के चक्का हों दो, आसरा पेंशन हों दो, हैंडीकैप का हों दो, तुम्हारे को कुछ भी रहें दो, मैडम को जो है ना यहाँ पर काम कराने वाले हैं, उन्होंने जो है ना एरिया को डेवलप करे सो है, इंशाल्लाह ताला जो है ना यहाँ से जलपल्ली म्यूनसिपल से अच्छी मेजोरिटी जो है ना इंशाल्लाह मैडम को जिता के बताएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर, कहीं को बताओ डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम आदाब, हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं टेल न्यूज़ 24x7, इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।